जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आज की इस करंट अफेयर की क्लास में। ये जून मंथ की थर्ड वीक की आपकी करंट अफेयर क्लास है और आज की क्लास आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट्स जिसमें ग्रेजुएट एंट्री जैसे CDS, CAPF, FCAT और यहाँ तक कि 10+2 की जितनी एंट्रीज हैं NDA, MNS, एयरफोर्स XNY, नेवी ASSR और बाकी तमाम डिफेंस एंट्रीज के लिए आज की क्लास बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज की क्लास में हम जितने टॉपिक्स कवर करेंगे वो आपके एग्जाम में आने की 100% पॉसिबिलिटीज रखते हैं, तो इसलिए कॉपी पेन लेकर आप तैयार रहिए कि जितने भी टॉपिक्स आपको आज की क्लास में कवर कराए जाएंगे उनसे संबंधित जितने भी आपके पॉइंट्स हैं और क्वेश्चंस हैं आप उसको नोट डाउन करते रहिए। तो चलिए जानते हैं आज की क्लास में हम कौन कौन से आपके टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। तो ये आपका जून का जो थर्ड वीक है उसमें जितने भी लेटेस्ट इवेंट अकर हुए हैं उनसे रिलेटेड हम टॉपिक्स लेकर आए हैं। तो यहां पर देखिए पहला टॉपिक है आपका इंडिया थाईलैंड कॉर्पोरेट नेवल एक्सरसाइज, यानी कि अभी हाल ही में इंडिया और थाईलैंड की नेवीज के बीच में एक्सरसाइज कंडक्ट हुई है। इससे संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में कैसे बन सकते हैं, कैसे पूछे जा सकते हैं, हम कवर करेंगे। दूसरी हमारी जो न्यूज है, इवेंट है, वो आपकी स्पोर्ट से रिलेटेड है। अभी हाल ही में फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट कंडक्ट हुआ है, उसके बारे में हम जानेंगे। द थर्ड वन इज देहिंग पटकाई एंड रायमोना नेशनल पार्क। देखिए अभी आसाम सरकार ने आसाम राज्य का 6वां और 7वां दो नेशनल पार्क बना दिए हैं, तो ये नेशनल पार्क आपके एग्जाम में कैसे अहम भूमिका निभा सकते हैं आज की क्लास में हम जानेंगे। उसके बाद फोर्थ नंबर पे आता है नमस्ते योगा ऐप। आप जान रहे हैं कि कल यानी कि इंटरनेशनल योगा डे है और आयुष मंत्रालय के द्वारा नमस्ते योगा ऐप की लॉन्चिंग की गई है, इसके बारे में हम जानेंगे। और आखिरी में UAE, ब्राजील, अल्बानिया, गैबॉन, घाना और इन सभी 5 देशों को जो है UNSC में नॉन परमानेंट यानी कि गैर स्थायी सदस्य के रूप में अभी इलेक्ट किया गया है। अब इन सभी 5 टॉपिक से संबंधित क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कैसे आ सकते हैं आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास अपने पहले टॉपिक से जो है आपका इंडो थाई कॉर्पोरेट नेवल एक्सरसाइज। तो देखिए यहां पर आप देख पा रहे हैं इमेज साथ ही साथ कंटेंट जो कि हिंदी एज वेल एज इंग्लिश दोनों में ही है। तो यहां पर देखिए रिसेंटली द 31st एडिशन ऑफ द इंडिया थाईलैंड कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल इंडो थाई कॉर्पोरेट बिटवीन द इंडियन नेवी एंड द रॉयल थाई नेवी वॉज कंडक्टेड इन द अंडमान सी क्लोज टू द स्ट्रेट ऑफ मलक्का। यानी कि अभी हाल ही में इसी सप्ताह भारतीय नौसेना और थाईलैंड की रॉयल नेवी के बीच में एक इंडो थाई कॉर्पोरेट कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है। और ये कंडक्ट कहां पर की गई, इसका प्लेस क्या है, तो इसका प्लेस है आपका अंडमान सागर यानी कि अंडमान सी में। और अंडमान सी किसके नजदीक है, तो अंडमान सी आप यहां पर देख सकते हैं अंडमान सी का आपके स्ट्रेट ऑफ मलक्का के बेहद नजदीक है। अब देखिए ये एक्सरसाइज आपके एग्जाम में कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, साथ ही साथ आप जानते हैं कि आप सभी के डिफेंस एग्जाम में एक क्वेश्चन डिफेंस एक्सरसाइज से रिलेटेड रहता है। और ये क्वेश्चन ये टॉपिक आपके एग्जाम में कैसे पूछा जा सकता है सबसे पहले हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो आपकी डिफेंस एक्सरसाइज हुई है उसका लोकेशन क्या है और उस लोकेशन की आपकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस कैसे रहती है। जैसा कि मैंने बताया कि इंडो थाईलैंड कॉर्पोरेटेड जो आपकी नेवल एक्सरसाइज हुई है वो आपकी कहां पर की गई है, अंडमान सी में, ठीक है। अंडमान सी आपके कहां पर है, आपके ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का यहां पे कुछ आता है उसके बेहद नजदीक है। और स्ट्रेट ऑफ मलक्का क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट इलाका है, क्योंकि यहां पर आपका साउथ चाइना सी है। आप जानते हैं साउथ चाइना सी में चीन के द्वारा विवाद किया जा रहा है और उसके एक बड़े क्षेत्र को चाइना के द्वारा बताया जा रहा है कि वो चाइना का है यानी कि उसके खुद का है। इससे आपके जितने भी मैरीटाइम स्ट्रैटेजिक लोकेशन में सबसे ज्यादा अस्थिरता पैदा हो जाती है और भारत भी इससे अछूता नहीं रहा है। इस कारण से भारत, यहां पर आप भारत देख पा रहे हैं और यहां पर आपका थाईलैंड, ठीक है, इन दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच जो है अंडमान सी में एक एक्सरसाइज कंडक्ट कर ली गई है। अब देखते हैं ये जो एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है भारतीय नौसेना के द्वारा, उसमें भारतीय नौसेना की 3 मुख्य कमानें कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले आपकी भारतीय नौसेना की जो कमांड आती है वो आती है वेस्टर्न नेवल कमांड। वेस्टर्न नेवल कमांड कहाँ पे, आपकी महाराष्ट्र मुंबई में है, ठीक है, इसको हम कहते हैं वेस्टर्न नेवल कमांड, यानी कि
पश्चिमी नौसेना कमान, दूसरी आपकी आती है ईस्टर्न नेवल कमांड जो कि आपकी विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में, इन सभी चीजों को आप नोट डाउन करते रहिए। और तीसरी कमांड कहां पे आती है आपकी, कोची में, और कोची कहां पे आपका केरला में है, जिसको हम कहते हैं सदर्न नेवल कमांड। तो भारतीय नौसेना की आपकी तीन कमांड्स हो गई। अभी भारतीय नौसेना और थाईलैंड की रॉयल नेवी के बीच में इंडो थाईलैंड कॉरपोरेट नेवल एक्सरसाइज का कंडक्शन किया गया और ये 31st एडिशन था। थाईलैंड की राजधानी क्या है, तो थाईलैंड की राजधानी आपकी बैंकॉक है, ठीक है। थाईलैंड की राजधानी क्या है आपकी, बैंकॉक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इंडिया और थाईलैंड में जो 31st एडिशन वाली एक्सरसाइज अभी हुई है वो कहां पर की गई है, तो आप आसानी से आंसर दे सकते हैं कि ये सर आपके अंडमान सी में कंडक्ट की गई है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीजें इंडिया थाईलैंड के इस एक्सरसाइज के बारे में हम जानते हैं। तो यहां पर देखिए प्रमुख बिंदु, इंडिया एंड थाईलैंड हैव बीन कैरिंग आउट कॉर्पोरेट अलोंग देयर इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन ट्वाइस अ ईयर सिंस 2005, यानी कि हर साल में दो बार ये एक्सरसाइज का कंडक्शन किया जाता है। भारतीय नौसेना की तरफ से आपका INS यानी कि इंडियन नेवल शिप सरयू ने इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया है। तो देखिए इस शिप का नाम याद कर लीजिए, क्योंकि अब एग्जामिन बॉडी के द्वारा जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कुछ अलग तरीके से पूछते हैं। वो पूछते हैं कि ये जो दो एक्सरसाइज हुई है इन दोनों देशों के बीच, इसमें भारतीय नौसेना की तरफ से किस जहाज को पार्टिसिपेशन किया गया था। तो देखिए INS सरयू ने इसमें पार्टिसिपेट किया, और अगर हम थाईलैंड की नेवी की तरफ से देखें तो उनकी तरफ से एसटीएमएस कार्बी ने इसमें प्रतिभाग लिया, पार्टिसिपेट किया। अगर हम हिंदी में पढ़ लें तो यहां पर देखिए, भारतीय नौसेना पोत सरयू एक स्वदेश निर्मित नौसेना अपनी गस्त पोर्ट और थाईलैंड के एसटीएमएस क्राबी ने जो है इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेशन किया। साथ ही साथ आप ये देखते रहिए, भारत सरकार के द्वारा जो है सबसे बड़े एक मिशन प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग की गई है जिसका नाम है सागर, और सागर से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो यहां पर आप देखिए, एज पार्ट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट विजन ऑफ सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन सागर, द इंडियन नेवी हैज बीन इन्वॉल्व इन असिस्टिंग कंट्रीज इन द इंडियन ओशियन रीजन। तो देखिए IOR जिसको हम कहते हैं इंडियन ओशियन रीजन, उसमें सागर विजन की तरफ से, सागर प्रोजेक्ट की तरफ से जो भारत सरकार के द्वारा संचालित किया जा रहा है, उसमें ये कहा गया कि भारतीय हिंद महासागर से, साथ ही साथ अंडमान सी, आपके बंगाल की खाड़ी से सटे जितने भी देश हैं हम उनको असिस्ट करेंगे, उनको हम हर प्रकार की सहायता प्रोवाइड कराएंगे। अब देखिए एक एक्सरसाइज के बारे में आपने जान लिया, दो एक्सरसाइज और कौन सी हैं जो हम यानी कि भारत जो है थाईलैंड के साथ करता है। तो देखिए अगर हम आर्मी लेवल के एक्सरसाइज की बात करें तो यह है आपकी मैत्री, एक्सरसाइज मैत्री इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड थाईलैंड, और यह आपकी एक भारतीय सेनाओं के बीच की जाने वाली, यानी कि थाईलैंड की सेना, थाईलैंड की थल सेना और भारत की थल सेना के बीच जो एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है उसका नाम होता है आपका एक्सरसाइज मैत्री। और अगर हम वायुसेना की बात कर लें तो एक्सरसाइज सियाम भारत, भारत थाईलैंड के बीच किया जाता है। तो देखिए तीन एक्सरसाइज के बारे में आपको पता चल गया, ओके। और भारतीय नौसेना की तरफ से, साथ ही साथ थाईलैंड की रॉयल नेवी की तरफ से कौन कौन से शिप्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया ये आपको पता चला, और ये सारे कंटेंट्स आप प्रॉपर नोट्स बनाते चलिए क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आपके पूछे जाएंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो आपका एक क्विज का समय आ जाता है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़िए, इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद अपने जवाब आप कमेंट बॉक्स में देते रहिए। तो चलिए जानते हैं क्वेश्चन क्या है आपका, विच इंडियन नेवी शिप पार्टिसिपेटेड इन द 31st इंडिया थाईलैंड कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल एक्सरसाइज, यानी कि भारतीय नौसेना की तरफ से इंडिया थाईलैंड कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल नेवल एक्सरसाइज में कौन से शिप का जो है पार्टिसिपेशन किया गया है। ऑप्शन ए INS मुंबई, ऑप्शन बी INS सरयू, ऑप्शन सी INS तलवार एंड ऑप्शन डी INS चक्र। तो देखिए आपको बताना है कि अभी मैंने जैसा कि पढ़ाया कि किन किन शिप्स ने भारत की तरफ से, साथ ही साथ थाईलैंड की तरफ से उनका पार्टिसिपेशन इस एक्सरसाइज में किया गया है। तो चलिए मेरे ख्याल से आप सभी अपना कमेंट दे चुके होंगे और जानते हैं इसका करेक्ट आंसर। तो इसका आपका करेक्ट आंसर है इंडियन नेवी शिप INS सरयू। इंडियन नेवी शिप INS सरयू ने 31st एडिशन इंडिया थाईलैंड कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल नेवल एक्सरसाइज में
पार्टिसिपेट किया। और अगर आपसे क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया जाए कि थाईलैंड की तरफ से किस शिप ने पार्टिसिपेट किया, तो STMS कार्बी ने इस नौसैनिक युद्धाभ्यास में अपना पार्टिसिपेशन किया। तो यह था पहला इवेंट, पहले इवेंट का पहला क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अगला इवेंट कौन सा है। लेकिन अगले इवेंट को जानने से पहले मैं आपको कुछ MKC लर्निंग ऐप के फीचर्स के बारे में बता देना चाहता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि COVID-19 महामारी के कारण पूरा विश्व, पूरा देश जूझ रहा है और सबसे ज्यादा प्रभाव हमारे एजुकेशन सेक्टर यानी कि शैक्षणिक जो हमारा क्षेत्र उस पर पड़ रहा है। स्टूडेंट्स बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, कोरोना का खतरा भी है और वैक्सीनेशन का प्रोग्राम भी भारत सरकार तेजी से करवा रही है। लेकिन मेजर कल्सी क्लासेस आपके साथ हमेशा खड़ा हुआ है। आप MKC लर्निंग ऐप की मदद से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं और आने वाले एग्जाम में अपने सफलता को 100% सुनिश्चित कर सकते हैं। तो इसलिए गूगल पे जाइए और डाउनलोड कर लीजिए MKC लर्निंग ऐप, जिससे कि आपकी पढ़ाई और भी स्ट्रांग होती चली जाएगी। चलिए सेकेंड इवेंट है हमारा फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट 2021। तो देखिए अभी हाल ही में फ्रेंच ओपन टेनिस टाइटल को दो लोगों के द्वारा जीता गया। हम मेल कैटेगरी में भी बात करेंगे, साथ ही साथ फीमेल कैटेगरी में भी बात करेंगे। तो यहां पर आप देखिए मेरे साथ नोवाक जोकोविक, जो आपको लेफ्ट हैंड साइड दिख रहे हैं वो है नोवाक जोकोविक। ओके, ये एक सर्बियाई प्लेयर है। सर्बिया डिफीटेड स्टेफानोस सित्सिपास टू लिफ्ट द फ्रेंच ओपन टाइटल फॉर सेकेंड टाइम इन हिज करियर। यानी कि फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट, और ये किससे रिलेटेड रहता है? टेनिस से। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि फ्रेंच ओपन जो आपका टूर्नामेंट होता है 2021 का, वो किस खेल से संबंधित है, तो ये आपका टेनिस से संबंधित है। और इस बार के मेंस सिंगल्स में आपके नोवाक जोकोविक ये हैं, इन्होंने स्टेफानोस को हराकर इस बार के 2021 के फ्रेंच ओपन टेनिस टाइटल को अपने नाम कर लिया है। नोवाक जोकोविक किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये हैं आपके सर्बियाई प्लेयर हैं, ठीक है। और अगर आपसे स्टेफानोस को पूछा जाए तो आप आसानी से बता लीजिए कि ये आपके ग्रीस के प्लेयर हैं, सर्बिया और ग्रीस। ओके, मैं यहां पे लिख देता हूं, सर्बियाई प्लेयर हैं और ये आपके ग्रीस के खिलाड़ी हैं। साथ ही साथ जोकोविक विथ हिज 19th ग्रांड स्लैम टाइटल हैज क्लोज्ड इन रोजर फेडरर एंड राफेल नडाल। ओके, ऑन द ऑल ग्रांड टाइटल स्लैम बोथ द प्लेयर्स हैव 20 ग्रांड स्लैम। तो देखिए इस जीत के बाद नोवाक जोकोविक के पास 19 ग्रांड स्लैम के टाइटल हो चुके हैं और ये दो खिलाड़ी से बस एक टाइटल पीछे हैं। इन दो खिलाड़ियों का क्या नाम है आपका? यहां पर आप देख पा रहे हैं, पहले का रोजर फेडरर और दूसरा राफेल नडाल, इनसे सिर्फ एक ग्रांड स्लैम पीछे हैं। और अगर हम वर्ल्ड नंबर 1 आपके टेनिस खिलाड़ी की बात करें पुरुष में, तो ये हैं आपके नोवाक जोकोविक। ओके, चलिए अब आगे आते हैं, विमेंस सिंगल्स की बात करते हैं। तो यहां पर आप दोनों खिलाड़ियों की फोटो देख रहे हैं। इन दोनों के बीच जो है आपका अभी फ्रेंच टूर्नामेंट 2021 में फाइनल मैच हुआ था और इनमें से किसने जीता है अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं। चलिए मेरे साथ पढ़िए, बारबोरा क्रेजिकोवा जो कि क्रेज रिपब्लिक की हैं, वोन हर मेडल ग्रांड स्लैम सिंगल्स टाइटल एट द फ्रेंच ओपन ऑन सैटरडे, यानी कि पिछले सप्ताह, बीटिंग रशियास अनास्तासिया पावलुचेंकोवा टू बिकम द फर्स्ट क्रेज वुमेन इन 40 ईयर्स टू कंक्यूर रोलैंड गैरोस। तो देखिए इन्होंने रशिया की अनास्तासिया को हराकर इस बार की फ्रेंच ओपन टाइटल 2021 विमेन सिंगल्स की टूर्नामेंट को अपने नाम कर लिया है। इनका नाम क्या है? बारबोरा है, ठीक है। ये किस देश से आती हैं? तो ये आपकी क्रेस रिपब्लिक देश से आती हैं, ठीक है। ये आपकी बारबोरा है, ठीक है, क्रेस रिपब्लिक से आती हैं। और साथ ही साथ इन्होंने किसको हराया? इन्होंने रशिया की अनास्तासिया को हराकर ये उपलब्धि अपने नाम कर ली है और 40 सालों के बाद क्रेज रिपब्लिक को ये टाइटल मिला है। तो ये क्रेज रिपब्लिक के लिए बहुत ही बड़ी बात है। साथ ही साथ आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट के लिए ये एक बड़ा इवेंट है, क्योंकि अगर हम मुख्य तौर से देखें 4 ही ग्रैंड स्लैम आयोजित किए जाते हैं। ये 4 ग्रैंड स्लैम क्या हैं अभी मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूं आपके साथ। तो यहां पर आप देखिए, जैसा मैंने आपको कहा कि पूरे विश्व में सबसे बड़ा जो टेनिस टूर्नामेंट होता है उसमें 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं मुख्य तौर पर। ये कौन कौन से? सबसे पहले की बात करें, ऑस्ट्रेलियन ओपन, ओके, दूसरा
यहाँ पे आपको पेरिस दिख रहा है, ठीक है, पेरिस कहाँ पे, फ्रांस में है, ठीक है। तो फ्रेंच ओपन हो गया, जिसको इस बार किसने किसने जीता, नोवाक जोकोविक ने जीता और साथ ही साथ बारबोरा क्रेजिकोवा ने जीता। तीसरा आपका क्या है, विंबलडन, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन के द्वारा आयोजित किया जाता है। और लास्ट में चौथा आता है आपका यूएस ओपन, ठीक है। तो ये चार आपके मुख्य तौर पे ग्रैंड स्लैम होते हैं। अब बारी आती है ये जो अभी आपने इवेंट पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन को करने की। तो यहां पर आपको क्वेश्चन पूछा गया कि नोवाक जोकोविक किस देश से आते हैं, और अभी मैंने जब आपको कवर कराया है कि जो आपका फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट 2021 खत्म हुआ है उसके मेंस सिंगल्स के विजेता कौन रहे हैं, आपके नोवाक जोकोविक रहे हैं। मेरे ख्याल से आप सभी ने अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे दिया होगा। तो चलिए जानते हैं इसका आपका करेक्ट आंसर क्या है। नोवाक जोकोविक आपके एक सर्बियन प्लेयर है, यानी कि इस प्रकार से आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है, ठीक है। ही इज फ्रॉम सर्बिया। तो नोवाक जोकोविक जो कि विश्व के नंबर वन टेनिस प्लेयर है वो सर्बिया देश से आते हैं। ओके, तो हमारा दो इवेंट तो कवर हो गया है। और आगे बढ़ने से पहले एमकेसी लर्निंग के बाद आपका मेजर कसी क्लासेस आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए एक प्रॉपर ऑथेंटिक जेन्यून बुक आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसमें जितनी भी एंट्रीज हैं टोटल आपके 26 कोर्सेज होते हैं जो कि डिफेंस में चलते हैं, चाहे आप एनडीए से हो, सीडीएस, एफकैट, एमएनएस, नेवी, एयरफोर्स, एक्स एंड वाई, ओके, जीडी, नाविक, आप परचेस बुक हमारे एमकेसी पब्लिकेशन से कर सकते हैं जो कि आपकी तैयारी के लिए सबसे कारगर साबित हो सकता है। तो इसी प्रकार बढ़ते हैं अपने थर्ड इवेंट की तरफ। थर्ड इवेंट जानते हैं आपका क्या है। तो थर्ड इवेंट हमारे देश से ही संबंधित है और ये है आपकी एक स्टेट न्यूज, और स्टेट न्यूज आपकी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड है। तो यहां पर आप देखिए हेडिंग, देहिंग पटकाई एंड रायमोना नेशनल पार्क्स, द आसाम गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड इन इट्स रिसेंट कैबिनेट मीटिंग टू डिक्लेयर देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज द 7th नेशनल पार्क ऑफ द स्टेट। असम हैज नाउ द थर्ड मोस्ट नेशनल पार्क आफ्टर द 12th इन मध्य प्रदेश एंड 9 इन द अंडमान एंड निकोबार। तो देखिए अभी असम सरकार ने इसी सप्ताह में कुछ बड़े फैसले लिए हैं। अब ये दो बड़े फैसले क्या हैं, वो भी फैसले आपके पर्यावरण और इकोलॉजी से रिलेटेड। तो देखिए असम सरकार ने अपना 6वां और 7वां नेशनल पार्क डिक्लेयर किया है। 7वें नेशनल पार्क का क्या नाम है आपका, देहिंग पटकाई, और 6वें का क्या नाम है, रायमोना नेशनल पार्क है। इस प्रकार से हमारे देश में असम राज्य तीसरा राज्य हो चुका है जिसके पास सबसे अधिक नेशनल पार्क हैं, और उनके नंबर कितने हैं, 7, ठीक है। दे हैव 7 नेशनल पार्क इन आर कंट्री। और नंबर 1 पे कौन चल रहा है, मध्य प्रदेश चल रहा है, जिसके पास कितने टोटल नेशनल पार्क हैं, जिसके पास आपके 12 नेशनल पार्क हैं, और अंडमान के पास जो है आपके अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में टोटल 9 नेशनल पार्क हैं। इस प्रकार से राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या में आपका आसाम तीसरे नंबर पे, अंडमान एंड निकोबार दूसरे पे, और पहले नंबर पे कौन, मध्य प्रदेश हो चुके हैं। तो इन दोनों नेशनल पार्क का आप नाम याद कर लीजिए। तो देखिए ये है आपका 7th नंबर पे और ये है आपका रायमोना नेशनल पार्क 6 नंबर पे, ठीक है। इस प्रकार से असम में जो है नेशनल पार्क की संख्या टोटल 7 हो चुकी है। अब देखिए यहां पर आप एक मैप देख पा रहे हैं, ठीक है, और आसाम कहां पे आता है आपका, आसाम आपका नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर में आता है भारत के इस तरफ। यहां पे देखिए आप, ये आपका आसाम है, ठीक है, और आसाम में काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरांग, ओके, देहिंग पटकाई, रायमोना नेशनल पार्क्स हो गए हैं। और भी हम जानते हैं इन नेशनल पार्क्स के बारे में जिस जो कि आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे देहिंग पटकाई नेशनल पार्क की। देहिंग पटकाई नेशनल पार्क की यहां पर देखिए, हिंदी वाले आप हिंदी में पढ़ते रहिए। इट इज लोकेटेड विद इन द लार्जेस्ट देहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व विच स्प्रेड अक्रॉस द कोल एंड ऑयल रिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अपर आसाम, डिब्रूगढ़ एंड तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट। तो देखिए एक एलिफेंट रिजर्व है, ठीक है, हाथियों का संरक्षण यहां पर बड़े पैमाने पे किया जाता है, और इसकी लोकेशन किस तरफ है, डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया की तरफ। द ओल्डेस्ट रिफाइनरी ऑफ एशिया इन डिगबोई एंड ओपन कास्ट कोल माइनिंग एट लीडू आर लोकेटेड नियर द सेंचुरी। तो देखिए एशिया की सबसे पुरानी जो ऑयल रिफाइनरी है वो कहां पे है आपका, वो आपकी डिगमोई में स्थित है, यहीं पे है, ठीक है, इसके नजदीक ही स्थित है। साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसको आप नोट कर लीजिए,
द देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज ऑल्सो नोन एज जयपुर रेन फॉरेस्ट, ठीक है, जयपुर वर्षा वन के रूप में भी इस अभयारण्य को जाना जाता है। ओके, तो यहां पर आपने जाना देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य। अब आते हैं रायमोना पे। रायमोना नेशनल पार्क जो आपका आसाम का छठवां नेशनल पार्क बन गया है उसके बारे में जान लेते हैं, उसकी लोकेशन क्या है, ठीक है, उसमें कौन कौन सी प्रमुख चीजें पाई जाती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं रायमोना नेशनल पार्क। द रायमोना नेशनल पार्क इज विद इन द बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन। बोडोलैंड तो आप जानते होंगे, ठीक है, बोडो विवाद भी चलता रहता है, तो बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन के जो है अंदर आता है, उसी में है वो, ठीक है, क्योंकि बोडोलैंड का इलाका आपका आसाम में भी है और बाकी तमाम जितने भी क्षेत्र आपके जितने भी स्टेट्स आसाम के बगल में फैले हैं वहाँ पे भी बोडो जनजाति निवास करती है। उसके बाद द एरिया ऑफ द पार्क इंक्लूड्स द नॉर्थन पार्ट ऑफ द नोटिफाइड रिपू रिजर्व फॉरेस्ट। यहाँ पर आपका रिपू रिजर्व फॉरेस्ट विच फॉर्म्स द वेस्टर्न मोस्ट बफर ऑफ टू द मानस नेशनल पार्क दैट स्ट्रैडल्स द इंडियन भूटान बॉर्डर, ठीक है, मानस नेशनल पार्क यहाँ पर पाया जाता है, यानी कि सभी जितने नेशनल पार्क हैं किसी न किसी मेन इलाके से ये सटे हैं, जुड़े हैं, जिससे इनकी उपयोगिता और भी बढ़ जाती है। अब आगे बढ़ते हैं और आगे है आपका नेशनल पार्क इन आसाम। जैसे मैंने बताया आसाम हैज टोटल नाउ 7 नेशनल पार्क बिहाइंड द मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के पास कितने हैं? 12 हैं। अंडमान या निकोबार के पास कितने हैं आपके? टोटल 9 हैं, ठीक है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ये 7 नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, ठीक है, या फिर इनमें से कौन सा नेशनल पार्क आपके आसाम में आता है, तो ये देखिए, सबसे पहला देहिंग रायमोना काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा एक सिंह गैंडे के लिए सबसे ज्यादा फेमस है, ठीक है, वन हॉर्न राइनोसोरस। मानस नेशनल पार्क नामेरी ओरांग और दिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क आसाम में पाए जाते हैं। साथ ही साथ अगर हम काजीरंगा की बात करें, काजीरंगा एंड मानस आर द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क जो कि आसाम में है वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्टेड है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये पार्क्स हैं। ओके, और आसाम के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी और हेमंत बिस्व शर्मा। अभी जानते हैं अभी असम में इलेक्शन हुआ था, ठीक है, पश्चिम बंगाल में इलेक्शन हुआ था, साउथ इंडिया में इलेक्शन हुआ था, तो आसाम में जो अभी इलेक्शन हुआ था वहां के नए मुख्यमंत्री के तौर पर कौन बने हैं? हेमंत बिस्व शर्मा ने पदभार ग्रहण किया है इलेक्शन जीतकर, ठीक है। और इससे पहले कौन चीफ मिनिस्टर थे वहां के? सर्बानंद सोनेवाल वहां के चीफ मिनिस्टर थे। तो इतनी बातें जो हैं आसाम से रिलेटेड और वहां के नेशनल पार्क से रिलेटेड हैं। सभी चीज़ों को आपको अच्छे से गौर करना है, स्क्रीनशॉट आप लेते जाइए और अपने नोट्स भी बनाते जाइए। अब चलिए, इतना हमने पढ़ लिया, अब बारी आती है आपके क्वेश्चन की, ठीक है, कि आप जितना पढ़े हैं कंसंट्रेट तरीके से पढ़े हैं कि नहीं, और अपना कमेंट आप देते रहिए इस क्वेश्चन का। द देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज ऑल्सो नोन एज। देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को हम किस और नाम के रूप में जानते हैं? ऑप्शन ए नामेरी, ऑप्शन बी जयपुर रेन फॉरेस्ट, ऑप्शन सी ओरांग टाइगर रिजर्व, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो अभी मैंने पढ़ाया था उसको इनसर्कल भी कराया था और मेरे ख्याल से आप सभी ने अपना जवाब करेक्टली सबमिट किया होगा कमेंट बॉक्स में। तो चलिए जानते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका जयपुर रेन फॉरेस्ट, यानी जयपुर वर्षा वन के रूप में भी देहिंग पटकाई, अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कह लें या फिर इसको हम नेशनल पार्क कह लें, उसको जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एमकेसी लर्निंग ऐप, बुक्स, और उसके बाद आता है एमकेसी टेस्ट प्रेप ऐप, ठीक है, भारतीय सेना के सभी परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जिसमें आपको 5000 प्लस क्वेश्चंस मिलते हैं। और अगर आपने एक बार इन सभी प्रैक्टिस सेट को अच्छे से लगा लिया, ओके, एमकेसी लर्निंग ऐप, बुक्स और टेस्ट प्रेप की आपने मदद ले ली, तो आसानी से एक ही बार में आपका डिफेंस का एग्जाम निकल सकता है, वो कहीं दूर है नहीं, वर्दी आपसे दूर नहीं है, बस आपको चाहिए एक अच्छा गाइडेंस और एक ईमानदार मेहनत। ओके, तो चलिए एमकेसी टेस्ट प्रेप पे भी आप जाइए जिससे कि आपकी पढ़ाई और भी स्ट्रांग होती रहे। आगे बढ़ते हैं अपने थर्ड इवेंट की तरफ। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने अभी नमस्ते योगा ऐप की लॉन्चिंग की है, ठीक है, नमस्ते योगा ऐप अभी आप देख रहे हैं, मिनिस्ट्री आयुष से संबंधित हम खबरें देखेंगे और जान रहे हैं कि आप
इंटरनेशनल योगा डे भी आ चुका है। तो यहां पर आप देखिए, ये स्लाइड वैसे इंग्लिश की है, ठीक है, दूसरी स्लाइड आपकी ये हिंदी की है। सबसे पहले मैं इंग्लिश को कवर करा दूं जिससे कि आप हर चीजें जान सकें। द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ऑर्गेनाइज अ इवेंट फॉर द 7th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। द इवेंट वॉज ऑर्गेनाइज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इन एसोसिएशन विद मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा। यानी कि 7वें अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर भारत के मंत्रालय, जिसका नाम क्या है आपका आयुष मंत्रालय, उसने एक नमस्ते योगा ऐप की लॉन्चिंग कर दी है। आप जानते हैं कोविड 19 महामारी चल रही है, ठीक है, पिछले वर्ष भी पूरा आपका कोविड में बीता, इस वर्ष में भी उसका प्रकोप 2021 में बना हुआ है। इस कारण से सभी लोग एक जगह एकत्रित ना हो, उनके पास एक ऐप हो जिससे कि वो अपने मोबाइल को सामने रख के उस ऐप को खोल के, ठीक है, योगा कर सके, जिससे कि पूरा भारत एक ही ऐप पर योग कर सके और हम योग को और भी स्प्रेड कर सके। तो अब 7वां इंटरनेशनल योगा डे होने वाला है और ये योगा इंटरनेशनल योगा डे हर साल कब होता है, आयोजित किया जाता है 21 जून को। और आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि किस मंत्रालय के द्वारा, भारत के किस मंत्रालय के द्वारा नमस्ते योगा ऐप लॉन्च किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आयुष मंत्रालय, यानी कि बाय द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष द नमस्ते योगा ऐप हैज बीन लॉन्च्ड। ओके, चलिए अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। इस बार की थीम क्या रही है आपकी 2021 योगा की, योगा फॉर वेलबींग। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है, कि अंतर्राष्ट्रीय योगा डे 2021 की इस वर्ष की थीम क्या रही है। तो इस वर्ष की थीम है आपकी योगा फॉर वेलबींग और 2020 की आपकी थीम क्या थी, ये थी योगा एट होम विथ फैमिली, योगा एट होम, योगा विथ फैमिली, ठीक है। तो इस बार की थीम आप अच्छे से याद कर लीजिए। और जो हिंदी वाले व्यूवर्स हैं, एक बार वो स्क्रीनशॉट ले लें अपने हिंदी का जिससे कि वो समझ सके। इसकी थीम याद कर लीजिए, कल्याण के लिए योग। और 2020 की अगर हम थीम देखें, अगर हम 2020 कर लेते हैं, 2020 की थीम देखें तो देखिए घर पर योग और परिवार के साथ योग, ये आपकी थीम थी पिछले वर्ष की। और आयुष मंत्रालय देखिए, जब नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट पहली बार 2014 में बनी थी, उसी समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक नया मंत्रालय गठित किया गया था, ठीक है, उसका नाम था आयुष मंत्रालय। इसके अभी के जो मिनिस्टर, अभी के तत्काल मिनिस्टर, वो हैं आपके किरण रिजिजू, जो कि स्पोर्ट मिनिस्टर भी हैं, साथ ही साथ ये आयुष मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार भी इन्होंने लिया है। ओके, तो ये हैं आपके किरण रिजिजू। इससे पहले कौन मंत्री थे, श्रीपद येशो नाइक थे, जिनका अभी एक्सीडेंट हो गया है, इस कारण से इनको ये प्रभार दिया गया है। अब चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। ये इवेंट आपने अच्छे से डिस्कस कर लिया, क्वेश्चन पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद अपना आप जवाब कमेंट बॉक्स में करते रहिए। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का पूरा नाम बताइए। ऑप्शन ए द मिनिस्ट्री ऑफ आरोग्य सेतु योगा नेचुरोपैथी यूनानी सिद्धा सोवा रिग्पा एंड होम्योपैथी। ऑप्शन बी द मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेद योगा नेचुरोपैथी यूनानी सिद्धा सोवा रिग्पा एंड होम्योपैथी। ऑप्शन सी द मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेद युवा नेचुरोपैथी यूनानी सिद्धा सोवा रिग्पा एंड होम्योपैथी। एंड ऑप्शन डी द मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेद यूथ नेचुरोपैथी यूनानी सिद्धा सोवा रिग्पा एंड होम्योपैथी। अगर आपने आयुष मंत्रालय के साइट पर आप गए होंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, और मेजर कसी क्लासेस की जो करंट अफेयर की मैगजीन होती है उसमें मैंने बहुत बार इस इवेंट को कवर भी कराया है। तो आपसे ये क्वेश्चन है कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का पूरा नाम क्या है, तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी। आरोग्य सेतु पे आप बिल्कुल भी टिक ना कर दीजिएगा, नहीं तो आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे। और आप जानते हैं कि डिफेंस में हर एक क्वेश्चन और हर एक मार्क्स की सबसे ज्यादा उपयोगिता रहती है, इस कारण से आपको इवेंट अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद उसका प्रॉपर जवाब देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और डिफेंस में अगर हमें जाना है तो डिफेंस में जाने के लिए हमें जो है मेडिकली फिट होना चाहिए। क्या हमारे शरीर में कुछ ऐसी कमी तो नहीं है कि हम रिटर्न निकाल लिए, SSB इंटरव्यू निकाल ली, या फिर एयरफोर्स की GD या MNS का आपका पर्सनल इंटरव्यू निकाल लिए और जब मेडिकल कंडक्ट हुआ तो हम वहां पर फेल हो गए, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा खलता है सभी डिफेंस एस्पिरेंट्स को, इसलिए एक बार पहले आप ऑनलाइन कंसल्टेशन करवा लीजिए, ठीक है। मेजर कलसी क्लासेस, मेजर कलसी हेल्थ केयर सेंटर आपको ये सुविधा देता है, ओके, जिससे कि आप अपने शरीर के बारे में जान सके कि आप कितने मेडिकली फिट हैं, अपने
आने वाली एग्जाम और उसमें ज्वाइनिंग के लिए। आगे बढ़ते हैं अपने लास्ट इवेंट पे, और ये हमारा जो लास्ट इवेंट है ये आपका एक इंटरनेशनल इवेंट है जो कि यूएनएससी से रिलेटेड है। तो यहाँ पर आप हेडिंग देख पा रहे हैं कि यूएई, ब्राज़ील, अल्बानिया, गैबॉन, घाना इलेक्टेड टू यूएनएससी। हिंदी वाले हिंदी में पढ़ते जाइए, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल जिसको हम यूएनएससी कहते हैं इलेक्टेड अल्बानिया, ब्राज़ील, गैबॉन, घाना, यूएई एज नॉन परमानेंट मेंबर्स फॉर 2022-23 टर्म। ऑल फाइव कंट्रीज इलेक्टेड अनअपोज विल बिगिन देयर टर्म फ्रॉम 1st जनवरी 2022। द इलेक्शन फॉर द नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल इज हेल्ड थ्रू सीक्रेट बैलेट एंड कैंडिडेट्स रिक्वायर टू थर्ड्स मेजोरिटी इन द जनरल असेंबली टू गेट इलेक्टेड। तो देखिए इन देशों को अभी यूएनएससी में नॉन परमानेंट मेंबरशिप प्राप्त हो गई है और ये अपना कार्यकाल 1 जनवरी 2022 से शुरू करेंगे 2023 तक। यूएनएससी आपका एक सबसे प्रमुख एक संगठन है, ठीक है, एक आपका सबसे अहम ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का। इसमें टोटल आपके 15 कंट्रीज होती हैं जिसमें 5 परमानेंट कंट्रीज एंड रेस्ट ऑफ 10 नॉन परमानेंट कंट्रीज होती हैं। ओके, भारत भी अभी इस समय इसका अस्थाई सदस्य है यूएनएससी का। अब चलिए, और इसमें जाने के लिए जो नॉन परमानेंट सीट में जाने के लिए जो इलेक्शन होता है वो सीक्रेट बैलेट के थ्रू होता है, और जिस भी देश को 2/3 वोट प्राप्त हो जाते हैं वो इसका नॉन परमानेंट सदस्य बन जाता है, और इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 2 वर्षों का रहता है। चलिए आगे और भी अन्य तथ्य जान लेते हैं। यहाँ पे देखिए, इंडिया, आयरलैंड, मैक्सिको, नॉर्वे हैड बिकम द टर्म ऑफ द नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल फ्रॉम 1st जनवरी 2021। भारत और बाकी आयरलैंड, मैक्सिको, नॉर्वे ने अपना कार्यकाल शुरू कर दिया है इसी साल से, और ये अभी अपना कार्यकाल कंटिन्यू भी किए हुए हैं। इंडिया इन यूएनएससी यानी कि भारत यूएनएससी में कब कब रहा, उसका इतिहास भी क्या रहा, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, इसलिए ध्यान से अच्छे से पढ़िए और हर चीजों को बारीकी से आप देखते भी रहिए। तो देखिए, इंडिया है सर्व 7 times इन द यूएनएससी, भारत यूएनएससी में 7 बार रहा है और इस बार जो है वो 8वीं बार है, ठीक है, 7 बार पहले बार रह चुका है और इस बार जो भारत का कार्यकाल है 2021-22 का उसके लिए वो 8वीं बार है। तो देखिए कब कब रहा है, सबसे पहली बार 1950-1951, ओके, उसके बाद से लेकर आप देख रहे हैं 2011-12 लास्ट में रहा था, अब जो है 2021-2022, ठीक है, टोटल 8 बार और इससे पहले 7 बार भारत जो है यूएनएससी का नॉन परमानेंट सदस्य रहा है, बन चुका है, जो कि भारत के लिए एक बहुत बड़ी बात है। अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में की गई थी और 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी और उसी के साथ यूएनएससी भी इस्टेब्लिश्ड हुआ था। तो इतनी चीजें आप सभी के लिए सबसे ज्यादा अहम है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहीं से बनेंगे और जिसने अच्छे से पढ़ लिया वो अच्छे मार्क्स स्कोर करता जाएगा। चलिए अब बारी आ जाती है आज की होमवर्क की, ठीक है, तो इसका मैं आपको आज की क्लास में जवाब तो नहीं दूंगा, ठीक है, क्योंकि आपका ये क्वेश्चन है और अगली क्लास में जब मैं आऊंगा तो मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। आपके कमेंट बॉक्स में मैं ये देखता जाऊंगा कि कितने बच्चों ने आज की क्लास को अच्छे से पढ़ा और उन्होंने प्रॉपर तरीके से इस क्वेश्चन का जवाब दिया है। तो क्वेश्चन क्या है, चलिए पढ़ते हैं। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ नॉन परमानेंट मेंबर्स इन द यूएनएससी, 3, 4, 2, 10, यानी कि गैर स्थायी सदस्यों का कार्यकाल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कितने वर्षों का रहता है, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 2 वर्ष या फिर 10 वर्ष। तो इतने इवेंट्स आज आपने कवर किए, टोटल 5 इवेंट्स, ठीक है, उनसे संबंधित क्वेश्चन देखे और लास्ट में आपके लिए होमवर्क मैं देते जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप अच्छे से समझे होंगे और लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अगले वीक के लिए तैयार रहिए, क्योंकि अगले वीक आपको और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलने वाली हैं मेजर कल्सी क्लासेस की तरफ से। तो अभी के लिए जय हिंद एंड विश यू ऑल द बेस्ट। जहाँ सारे शिक्षण संस्थान बंद हैं और विद्यार्थी दुविधा में हैं, आखिर हमारी पढ़ाई कैसे होगी, वही मेजर कल्सी क्लासेस लड़ाई में आपके साथ हैं। आप घर बैठे भी डिफेंस क्षेत्र के सभी आने वाले एग्जाम की
तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको Google Play Store से MKC Learning ऐप को डाउनलोड करना होगा और घर बैठे आप पाएंगे डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, चैप्टर वाइज नोट्स, क्वेश्चन बैंक विद द सॉल्यूशन, कंप्लीट ऑनलाइन टेस्ट, साथ ही साथ असाइनमेंट और प्रॉपर डाउट काउंटर। इस चुनौती को अवसर में बदलना है और हम आपके साथ हैं। तुरंत डाउनलोड करें MKC Learning ऐप। कहते हैं ना, ऑनलाइन पढ़ेगा तभी फौजी बनेगा इंडिया।